हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको Facebook पर यहां पे लॉगिन करते समय आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो जैसा मैं यहां पे लॉगिन पे क्लिक करता हूं और अपना जो यहां पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहां पे डाल के, और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद यहां पे मुझे कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे मैं गेट स्टार्टेड पर जैसे ही क्लिक करता हूं, तो देख सकते हैं यहां पे एक पेज लोड होगा, और पेज लोड होने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यू कैन नॉट यूज़ फेसबुक और मैसेंजर बिकॉज यू लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट और आपकी आईडी इज़ डिसेबल्ड, एक्टिविटी ऑन ये वाली जो आईडी है गोज अगेंस्ट इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस और अदर स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब जैसा कि फेसबुक में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है माय इंस्टाग्राम अकाउंट वाज डीएक्टिवेट फेसबुक। तो फेसबुक से लिंक है इसलिए हमें ये सर्च करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेट फेसबुक की साइट है, इस पर आपको आ जाना है। इस पर आने के बाद यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है और फेसबुक को समझाना है कि किस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है। तो आपको करना क्या है, अपने अकाउंट जो आपका बंद हो चुका है अकाउंट, वो आपको समझाना है फेसबुक को कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया है, और आपको ये फॉर्म फिल करना है सही सही। फिर फेसबुक आपके अकाउंट का रिव्यू करेगा और चेक करेगा, फिर आपको अगर आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे आपका अकाउंट बंद हो जाए, तो आप फेसबुक आपका अकाउंट ज़रूर वापस कर देगा। तो आपको यहाँ पर फुल नेम भरना है जो कि आपके फेसबुक का था, वो आपको यहाँ पर अपना जो नेम है वो यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ। तो नाम को फिल करने के बाद अब यहाँ पे दूसरा है योर ईमेल एड्रेस। तो सिंपल से आपको अपना एक ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे योर इंस्टाग्राम यूज़र नेम, अब जिस फेसबुक अकाउंट को आपने इंस्टाग्राम में कनेक्ट करके रखा था, लिंक करके रखा था, वो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम फिल कर देता हूँ। यूज़र नेम फिल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ लेट अस नो वाई यू आर अपीलिंग द डिसीज़न टू परमानेंटली डीएक्टिवेट दिस अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखनी है और फेसबुक को समझाना है कि हमने किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं किया है, इस वजह से हमारा जो अकाउंट है आप वापस कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी परेशानी है, उस तरीके से आप अपनी भाषा में इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक टीम मैंने लिख दिया है फेसबुक टीम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेलो सर, दिस इज़ माय फेसबुक अकाउंट एंड माय अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड एंड आई हैव नॉट वायलेटेड एनी कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ फेसबुक ऑन दिस अकाउंट, स्टिल माय फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, प्लीज़ चेक माय दिस अकाउंट एंड माय रिटर्न मी अकाउंट। दोस्तों, आपको ये लिख देना है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो आपको पहले करना क्या है, आपको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है और हिंदी से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना है, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आपको बस एक तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है वो फेसबुक को समझानी है कि मैंने किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया गया है। बस आपको इतना करना है, और जो यहाँ पे अभी मैंने यूज़र नेम वगैरह डाला है और जो भी मैंने नंबर वगैरह डाला है वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो अभी एरर मुझे देखने के लिए मिला, इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट यूज़ फेसबुक और मैसेंजर बिकॉज योर लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट, और यहाँ पर जो अकाउंट का यूज़र नेम है, ये वाला जो यूज़र नेम वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। और कोई भी रैंडम ईमेल फिल कर दीजिए, या फिर आपके अकाउंट से जो भी लिंक हो ईमेल, वो आप ईमेल है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, और अपना मोबाइल नंबर जो कि इंस्टाग्राम में और फेसबुक में लॉगिन हो, यानी जो फेसबुक
में ऐड हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और अपना नाम फेसबुक का यहाँ पर डाल देना है, अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है और ये मैसेज है वो यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड हो जाएगी और आपकी जो ईमेल है जो कि आपने यहाँ पर फिल करी है उस ईमेल पर आपको मेल आ जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिर आपको मेल पर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे फेसबुक में, वो आपको लिंक भी दे सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम डायरेक्टली फिक्स भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही मेल आएगा और आपको मेल में बताया जाएगा उस तरीके से आप मेल को रीड करें, पढ़ें, अगर मेल में सही लिखा हुआ है कि आप अपने अकाउंट को ईजिली लॉगिन कर सकते हैं, फिर आपको फेसबुक में जाना है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, या फिर आपको ईमेल में बताया जाएगा कि किस तरीके से लॉगिन करना है, या फिर वो डायरेक्टली लॉगिन लिंक आपको दे देंगे। दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।